वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा जिले में आज कोविड-19 के दौरान सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला। दरअसल इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और आज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी कर्मचारी सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों ने बताया कि 2 साल से लगातार वह कोविड काल के दौरान ड्यूटी में लगे हुए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना सभी लोगों को सेवाएं दी। उस समय उन्हें खूब सम्मान दिया गया, पुष्प वर्षा की गई, कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस में उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की, जनता की सेवा की और जब जब वायरस का खतरा कम है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बता दें, नौकरी से निकाले जाने के बाद अब कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और घर चलाने में मुश्किल हो रही है, जिसके विरोध में रीवा में कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर भीख मांगी और रोजगार वापस दिलाने की मांग की। बता देना चाहता हूँ कि हम सभी आज मजबूरी बस इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने विगत 2 वर्षों से हम लोगों की एक ऐसी महामारी में नियुक्ति दी थी जिस समय कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकलना अपने आप को दूभर समझता था। परिवार वाले आपसी सगे संबंधियों को छूना पसंद नहीं करते थे। ऐसे एलोपैथी चिकित्सक बहुत सारे जो अपनी क्लिनिक को बंद करके जमींदोज हो गए थे। उस समय उन परिस्थितियों में हम लोगों ने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में नियुक्त अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हों या फिर जिला चिकित्सालय में नियुक्त किए गए हमारे कोविड-19 के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हों, सबकी नियुक्ति इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए की गई थी और हम लोगों ने सब कुछ अपना परिवार छोड़ करके बिना छुट्टी लिए लगातार 24/7 सातों दिन 2400 घंटे मेहनत की और उसका आज हमें 2 वर्षों बाद प्रतिसाद ये मिल रहा है कि हमें जब स्थितियां कुछ ठीक समझ में आ रही हैं, कोरोना की स्थिति लगभग नियंत्रण में लग रही है, शासन द्वारा हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया है। और सबसे शर्मनाक बात यहाँ पर है, उन्होंने हवाला दिया है बजट ना होने का। आप लोग भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने काम किया है। अगर मानवीयता को तार तार करने का काम हमारी मध्य प्रदेश शासन कर रही है तो हम सभी लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारे जितने भी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है, उन्हें ससम्मान संविदा नियमित पदों पर संविलियन किया जाए। केवल और केवल हमारी यही मांग है। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय सभी जगहों को मिलाकर के लगभग 10,000 की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में हमारी संख्या है जिनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशांक मणि शर्मा है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन जिला रीवा का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा संकल्प के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा Adopt 10 आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत की गई है तथा अब इस योजना के संचालन में रीवा जिले को अपार सफलता प्राप्त हुई है, जिसके तहत रीवा के तकरीबन 3,434 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा समाज सेवियों के साथ ही सामाजिक संगठनों के द्वारा गोद लिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुविधाओं का ध्यान दिया जा सकेगा। Adopt 10 आंगनवाड़ी योजना के तहत रीवा जिले के 3,434 आंगनवाड़ी केंद्रों को अब सहारा मिल गया है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गोद लेकर मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने में सफलता मिलेगी। इस योजना के तहत जिस भी व्यक्ति के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया है उनके द्वारा आंगनवाड़ी के संचालन की तमाम देखरेख की जाएगी। Adopt 10 आंगनवाड़ी योजना के तहत जिले की 3,434 आंगनवाड़ियों को गोद लिए जाने की प्रक्रिया आज संपन्न की गई, जिसके बाद रीवा कलेक्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। यही रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रीट्वीट किया और कहा कि मध्य प्रदेश के
तमाम जिलों में इस व्यवस्था का संचालन शुरू हो। इस योजना की सफलता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा को बधाई देते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व सफलता अभिनंदनीय है तथा मध्य प्रदेश के अन्य जिले भी इसमें शामिल होंगे। रीवा जिले में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी जो योजना है उस अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों को अडॉप्ट कर लिया गया है और आज पूरे ज़िले की सभी आंगनवाड़ियों में जिन लोगों ने भी इसे अडॉप्ट किया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ हैं, उन सभी लोगों ने सभी आंगनवाड़ियों को विजिट किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम 2 बार ऐसी विजिट हो और इसके माध्यम से लोगों को आंगनवाड़ियों से जोड़े और आंगनवाड़ी की सुविधाओं को बेहतर करें। रीवा ज़िले के सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को, एनजीओ को, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वहीं अगली खबर सीधी से है, जहां पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को लेकर रीवा में आज शिवसेना पार्टी ने रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते वक्त शिवसेना पार्टी ने कहा कि पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता गलत है, पुलिस थाना प्रभारी और सहयोगियों द्वारा मारपीट की गई जो न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था जनसेवा के लिए है और उसके विपरीत यह काम आपराधिक श्रेणी में आता है, इसलिए निलंबन कोई नियमित दंड नहीं है बल्कि शिवसेना पार्टी ने पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। शहडोल की कोतवाली पुलिस ने एक युवक के घर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और हथियारों के जखीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नफीस खान अपने पुरानी बस्ती स्थित मकान से गांजा और हथियारों की खरीद फरोख्त करता था, जहां से पुलिस ने मुखबिर के आधार पर नफीस के मकान में दबिश दी और मादक पदार्थ सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के निशानदेही पर आरोपी के घर से 20 किलो 500 ग्राम गांजा, 2 नग कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 1 तलवार, 1 चाकू, 1 गुप्ती और 1 बुलेट प्राप्त की है। पूछताछ में आरोपी नफीस खान ने बताया कि जिससे वह सामान लेकर आता है वह बब्बू उर्फ इकबाल खान है, जो अभी फरार है, जिसकी कोतवाली पुलिस तलाश कर रही है। नफीस खान एवं इकबाल के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। पुलिस ने NDPSH के तहत कार्रवाई करके दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नफीस खान निवासी पुरानी बस्ती अपने घर में भारी मात्रा में ऐसे गांजा और हथियार रखे हुए हैं, जिसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई थी, जहां से आरोपी नफीस खान से हमने 20 किलो 500 ग्राम गांजा, 315 बोर के कट्टे, उसके साथ 7 कारतूस, 1 तलवार, 3 चाकू, 1 गुप्ती और 1 बुलेट जब्त की है। और उसने पूछताछ में बताया है कि उसका जो एक अन्य साथी है बब्बू उर्फ इकबाल, जिससे वो सामान लेकर आता था और यहाँ पर सप्लाई करता था, और ये आरोपी चूँकि फरार है इसकी पता तलाश की जा रही है। नफीस खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। वहीं अगली खबर सीधी से है, जहां शिवसेना जिला इकाई द्वारा जिले के पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित समाजसेवियों के अर्धनग अवस्था की फोटो वायरल करने के विरोध में शिव सैनिकों द्वारा स्वयं अर्धनग होकर कड़ा विरोध करते हुए निलंबित करने की मांग रखी है एवं रीवा आईजी सहित जिला कलेक्टर एवं जिला एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस बीच शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे ने विरोध करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हाल ही में जिले में बघेली न्यूज़ यूट्यूब चैनल एवं न्यूज़ नेशन के पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित कई समाज सेवियों को फर्जी फेसबुक आईडी के विरोध के मामले में प्रदर्शन करते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस संबंध में पुलिस द्वारा आपत्तिजनक एवं अर्धनग अवस्था में लॉकअप के अंदर की फोटो वायरल की गई, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, जिसका हम शिवसैनिक कड़ा विरोध करते हैं। शिवसैनिक ने मांग रखते हुए कहा कि पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ समाज सेवियों का जो अर्धनग फोटो वायरल किया गया है, इससे संबंधित समस्त अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निलंबित कर
पदमुक्त किया जाए, साथ में इनके घरों में भी बुलडोजर लगाकर प्रदेश सरकार कार्यवाही करे, वरना आने वाले समय में पीड़ित पत्रकार कनिष्क तिवारी एवं समाज सेवियों के साथ संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र व कार्तिक माह में यूपी बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। वहीं चैत्र नवरात्र में मंदिरों में भक्तों की काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। शहडोल जिले के नगर परिषद बकहो के अंतर्गत बम्बम तालाब में यूपी बिहार के लोगों ने छठ पूजा मनाया। बम्बम तालाब में छठ पूजा मनाने के लिए भक्तों की काफ़ी भीड़ दिखी। चैत्र नवरात्र के छठवें दिन से व्रत रहकर छठ पूजा मनाने वाली महिलाएं बम्बम तालाब पहुंचकर छठ मैया की पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ दिया। वहीं इसके दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत खोला। आपको बता दें कि छठ पूजा मनाने वाली महिलाएं दो दिन का कठिन व्रत रखकर अपने परिवार की सलामती के लिए पूजा अर्चना करती हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।